टू साइंस अप, दिस इज रोली मैम। सो फाइनली आप सभी का फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। एंड अब आपका 15 मार्च को बायोलॉजी का एग्जाम है, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के एग्जाम की, तो कुछ स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ है, कुछ का बहुत खराब हुआ है, कुछ का ठीक ठाक हुआ है, ठीक है। एंड जिस स्टूडेंट्स का पेपर बहुत खराब हुआ ना, वो काफी डिमोटिवेट हो गए कि यार फिजिक्स में इतने बेकार नंबर आए, पता नहीं बायोलॉजी में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहली चीज क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, सिलेबस देखिए। मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस है, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, मैं वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, जिससे वो सारी चीजें बहुत काम आएंगी आपके बायोलॉजी एग्जाम में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास काफी दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है। एंड इन गैप्स में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अपना बायोलॉजी का एग्जाम। जो चीजें मैं आपको बताऊंगी आप उन्हें जरूर फॉलो करें, बिकॉज बहुत हेल्प आएंगी, ओके। सो देखिए जो भी आपकी यूनिट्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, मैंने सब नोट डाउन किए हैं, ओके। बेसिकली 5 यूनिट्स हैं आपके पास। जो फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन, जो कि 16 मार्क्स कंटेन करती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से लगभग 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट चैप्टर सिर्फ दो ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार चार चैप्टर दिए हुए, तीन तीन दिए हुए, बट इस यूनिट में सिर्फ दो चैप्टर हैं। एंड मार्क्स का वेटेज है 14। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो 10 नंबर का है, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है, ठीक है। अब हम बात करें मोस्ट इजी चैप्टर्स, मोस्ट इजी चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी चैप्टर स्टूडेंट्स को यही लगते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाले, कि भाई बड़े आसान चैप्टर है, आराम से कवर कर लेंगे। यू नो जियोग्राफिकल चीजों पर चैप्टर्स बेस्ड है तो आराम से कवर हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें इन चैप्टर्स की, तो ये चैप्टर्स भी काफी इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है केमिस्ट्री में क्या था, फिजिक्स में क्या था, न्यूमेरिकल्स आते थे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी थी, रिएक्शंस थी, पर बायो में क्या है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, और वो भी सिर्फ समझने वाली। हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को एक कहानी बना के पढ़िए, सबसे पहली चीज तो ये। बायोलॉजी में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें इन चैप्टर्स की, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जितनी भी थ्योरीज दी हैं जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड, वो सारी एक कहानी की तरह पढ़िए, आराम से आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले चीज आपको शुरुआत कहाँ से करना, आप ये जो एग्जाम के बीच में जो गैप है इसमें आपको पढ़ना कैसे है, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर से स्टार्ट करिए, ठीक है। लाइक इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, 15 मार्क्स का है ये वेटेज, एंड चैप्टर्स काफी इजी हैं। एंड मेरे पास ये न्यूटन की बुक है, इसमें जब आप खोलेंगे अपनी बुक तो शुरुआत में ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। अगर हम इस यूनिट की बात करें, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसके अंदर काफी चीजें रिड्यूस हुई हैं, यानी डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट, दी एनुअल टेम्परेचर्स एंड प्रेसिपिटेशन, डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड निके, ये इतना रिड्यूस है। और क्या रिड्यूस है, बस जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है ये रिड्यूस है। सबसे पहली चीज बुक उठाइए, जो जो मैं बोल रही हूँ रिड्यूस, उसको फटाफट टिक करिए, उसको हटाइए, वो नहीं पढ़िएगा आप, ठीक है। इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें तो काफी चीजें रिड्यूस है, पहला पैराग्राफ में न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन एंड फॉस्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पोजल, ऑक्सीजन रिलीज, रिड्यूस है। उसके बाद जो बीच वाली दो लाइन्स हैं उनको छोड़िए, नीचे वाले पैराग्राफ पे आइए, उसमें भी वो पूरा पैराग्राफ रिड्यूस है, इफेक्ट्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर से लेके एलेंस रूल तक सब रिड्यूस है। न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल रिड्यूस है। उसके बाद जो लास्ट वाला पैराग्राफ है सक्सेशन, वो भी पूरा रिड्यूस है। तो आपका जो ये इकोसिस्टम चैप्टर है इसमें काफी चीजें रिड्यूस हैं, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करें तो पूरा चैप्टर आ रहा है, उसमें रिड्यूस नहीं है। उसके बाद जो एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर है वो रिड्यूस है पूरा आपका। बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में, तो ये दोनों चैप्टर्स पूरे पूरे आ रहे हैं, इसमें से कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं है। देखिए ये जो चैप्टर्स हैं कुछ स्टूडेंट्स को ये टफ लगते हैं, क्योंकि इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मॉडिफिकेशंस है, काफी चीजें हैं, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप बाद में पढ़िए, ठीक है। अपना जो स्पेसिफिक पेपर उसको एक बार ऑब्जर्व करिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आई हैं, उससे रिलेटेड आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके, मैं आपको बता दूंगी, ओके। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो चैप्टर्स हैं, ओके। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर भी पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ पे रिड्यूस नहीं है, ओके। एंड अब रहा आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन,
जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर आई मीन एक मिनट मैंने एक चैप्टर पे मिस कर दिया आई थिंक यस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जिसमें आपको मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं ठीक है पी प्लांट जिसमें था उसके 7 कैरेक्टर्स वो पढ़ना है वो चैप्टर मिस हो गया कोई बात नहीं आप वो चैप्टर यहाँ पे ऐड कर लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ओके ये चैप्टर तो 5 चैप्टर्स हैं लगभग इस यूनिट में और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड थोड़ी सी ये जो यूनिट है थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है कुछ जो क्वेश्चंस हैं ना कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ लगता है इन्हें पढ़ने के लिए देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये चैप्टर लास्ट के लिए छोड़िएगा एंड इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने सारे सलाइंट फीचर जो भी हैं हर एक ह्यूमन के मैंने सारे बताए हैं आप वो पढ़ सकते हैं वहां से इविडेंसेस एंड थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन छोटा सा चैप्टर है आप बायोजेनेसिस थ्योरी दी है वो पढ़िए बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ ये भी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ये चैप्टर है इसमें काफी सारी थ्योरीज हैं जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड ओके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको क्रॉस पढ़ना है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस ये सारी चीजें क्या होती हैं ठीक है एंड इसमें से कोई भी यूनिट रिड्यूस नहीं है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एंड प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस इसमें से सारे चैप्टर्स आ रहे हैं ठीक है इवोल्यूशन में जो लेमार्किज्म है यानी ब्रीफ आइडिया ऑफ लेमार्क थ्योरी जिसमें इवोल्यूशन ऑफ जिराफ नेक वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है रिड्यूस है ठीक है एंड सारी चीजें पढ़नी है रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में पहला चैप्टर पूरा रिड्यूस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है इसमें जो फुल फॉर्म्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी क्योंकि उनसे आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखिए मैं बस आपको इतना ही कहूंगी अपनी यूनिट्स का वेटेज देखिए एंड देखिए बायो है कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चैप्टर्स बहुत इजी लगते हैं कुछ टफ लगते हैं सो मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि जो अपनी स्टार्टिंग करिए बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से करिए इजी चैप्टर है ठीक है दिमाग में भी रहेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये सारे इजी इजी चैप्टर्स हैं इकोसिस्टम में तो काफी चीजें रिड्यूस कर दी गई है छोटा सा टॉपिक है छोटे छोटे चैप्टर्स है इजी इजी चीजें 15 नंबर कवर करेगी ये यूनिट तो शुरुआत करिए यहाँ से रिप्रोडक्शन पढ़िए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मैंने बताया आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अच्छे से पढ़ना है ह्यूमन इवोल्यूशन से जरूर क्वेश्चन मिलेगा किसी ना किसी जो भी ह्यूमन एप मैन है किसी ना किसी की आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर दी जाएंगी ओके देखिए कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में रेड डाटा बुक क्या होती है ठीक है एंड फाउंडर इफेक्ट क्या होता है एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मच्युअलिस्टिक पैरासिटिज्म ये सारी डेफिनेशन इनकी पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में दोनों चैप्टर्स थोड़े से टफ हैं थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी ऐसी हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड क्या होती है ठीक है और कुछ चीजें हैं यानी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें से पढ़नी है एंड इन दोनों चैप्टर्स के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी ओके बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जितनी भी डिजीज है ठीक है सबका वेक्टर क्या है सबका पॉजिटिव एजेंट क्या है ट्रांसमिशन क्या है ये पढ़ना है आपको ठीक है मलेरिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टीएमवी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको रिप्रोडक्शन में बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डायग्राम्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस पर मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ओजेनेसिस क्या होता है इनके जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं ठीक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ठीक है उनके बारे में वो आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन आते हैं स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड ठीक है स्टेरिलिटी क्यों होती है एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन ठीक है ह्यूमन इवोल्यूशन एविडेंसेस एंड थ्योरीज इन चैप्टर में से ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको ठीक है शुरुआत कहाँ से करनी है यहाँ से स्टार्ट करिए ये पूरा फटाफट कवर करिए इजी इजी चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे एक दो दिन में ठीक है इनको स्टार्ट करिए पूरा कवर करिए रिप्रोडक्शन पे आइए जेनेटिक्स इवोल्यूशन स्टार्ट करिए उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़िए ओके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काफी सारे क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बनते हैं ठीक है यही सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो मैंने एक अलग ऑलरेडी अपलोड कर दी है आप वो देख सकते हैं एंड जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ स्पेसिमेन पेपर को हमेशा ऑब्जर्व करें जब भी पढ़ने बैठे उसको देखें बार बार कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं
ठीक है, वो सारी चीजें जरूर नोटिस करें। जिस तरीके से क्वेश्चन आए, जिस तरीके से डायग्रामेटिक क्वेश्चन आए, उस तरीके से आप अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है, काफी अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। एंड मेरे अकॉर्डिंग आपके पास काफी टाइम है, आप आसानी से अपनी बायोलॉजी प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सिलेबस जरूर देखिए, ऐसा कुछ मत पढ़िए जो रिड्यूस हो, पहली चीज तो ये, ठीक है, हमेशा अपने सिलेबस पे फोकस रखिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास रिड्यूस सिलेबस नहीं है तो मैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जरूर चेक कर लें, ठीक है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन पे फोकस रखिए, जो मार्क्स का वेट है वो भी ध्यान में रखिए, ठीक है। एंड जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से करिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से पढ़िए। जैसा मैंने आपसे बताया कि देखिए थ्योरी है, पूरा थ्योरेटिकल पेपर होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल जैसा कुछ आता नहीं, रिएक्शंस कुछ होती नहीं बायो में, तो हर एक चीज को रटने की कोशिश मत करिए, हर एक चीज को कहानी की तरह पढ़िए, एक स्टोरी समझ के पढ़िए, उसको इमेजिन करिए, तभी आप हर चीज को अच्छे से याद रख पाएंगे। ऐसा होता है अगर आप कुछ चीजें रट के जा रहे हैं, याद करके जा रहे हैं, तो आप भूल जाएंगे। अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ के जा रहे हैं, तो वहां पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम भी काफी अच्छा आपके पास बचेगा, सो आप अच्छे से सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिखिए, मार्क्स वेटेज लिखिए, स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई। ओके, एंड जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।